नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। यह भारत है धर्मशाला नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानने वाले दंपत्ति की जबरन होगी नसबंदी और किया जाएगा जेल में बंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज भागलपुर में एक आम सभा आयोजित की गई। यह आम सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गौरतलब हो कि दो दिन पूर्व भारतवर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में आगे निकल चुका है। अब भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर वन बन गया है। यह देश के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ समुदाय के लोग 8, 10, 12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर और देश के लोकतंत्र पर कब्जा की नियत से जो कुछ भी कर रहे हैं यह सही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, यह जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी लोगों पर लागू हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो इस कानून को न माने उनकी सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए, साथ ही सरकारी सब्सिडी समाप्त हो जाए और ऐसे लोगों को मताधिकार से भी वंचित कर दिया जाए, और फिर अगर न माने तो उस दंपत्ति को जबरन नसबंदी कराई जाए और उसे जेल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि यह भारत है धर्मशाला नहीं। आप यहां अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश को लोकतंत्र को कब्जा नहीं कर सकते हैं। वहीं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और लोगों को देश की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति से होने वाली परेशानियों को भी साझा किया जाएगा और उन्हें हस्ताक्षर अभियान के समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जाएगा। चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर एक बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। ऐसा देश जिसका विभाजन जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, आज जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण उन्हें विभाजन की स्थिति ना बने, विश्व का मात्र 2.4% भूभाग, 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हैं और ये जो 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी हो रहा है वो आप करें या मैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत है। अभी इसके समर्थन में देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और वो हस्ताक्षर अभियान दक्षिण बिहार में भी है। प्रत्येक जिले में 1 लाख हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य है और मुझे कल बताया गया है